आज तक जितने नेताएं रहे हैं उनके साथ तो कनेक्शन नहीं हुआ यूथ का, मोदी जी के अंदर ऐसी क्या देव मानुष वाली जो चीजें हैं, कहां से लाते हैं वो, ये सवाल पूछना चाहूंगा। मतलब ये सच्चाई बोल रही है, ये शब्दों का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर से निकला हुआ एक आशीर्वाद का पत्र है जी, और यही मेरी ताकत है। और मेरी सरकार की अगर कोई विशेषता है तो यही है, लास्ट माइल डिलीवरी, आखिरी व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए। और मुझे खुशी है, ये जब मैं सुनता हूं मुझे खुशी है कि मैं इस काम को कर पाया। मुझे एक नेता मिलने आए थे एक बार, बहुत बड़े लीडर, पहली टर्म में मेरे आखिरी पांचवा साल था, बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इससे आगे क्या होता है दुनिया में, इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऐसा मुझे कहा था। क्योंकि उनके एक ही प्रकार की सोच में से देश की राजनीति चली है। मैं समझता हूं कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करता हूं, वे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूं। उनके परिवार में 5-6 लोग हैं तो उनको 5-6 लोगों के लिए मेहनत करनी होती तो उतने घंटे में चल जाता है। मेरे परिवार में 140 करोड़ है तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरे परिवार में भी 5-6 होते तो मुझे भी कुछ नहीं करना, इधर से 2-4 इंटरव्यू दे देता, रजत शर्मा को जरा चाय पिला देता, मेरी गाड़ी चल जाती। लेकिन मैं 140 करोड़ मेरे परिवारजन के लिए जीता हूं और इसलिए मेहनत भी करता हूं। उनकी जिंदगी, उनके सपने, और मैं कहता हूं आपके सपने, ये मेरा संकल्प है और मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 24/7 फॉर 2047।